उत्तरकाशी में परमार्थ निकेतन के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती ने भारत के अंदर हमास का समर्थन कर रहे लोगों पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि इसराइल ने कारगिल युद्ध से लेकर कई बार भारत की मदद की, साथ ही उन्होंने कहा आतंकवाद का कभी भी समर्थन नहीं किया जाना चाहिए। भारत आतंक के खिलाफ है, इसलिए इसराइल के साथ खुलकर साथ दे रहा, जो दिया भी जाना चाहिए। राष्ट्र का हम समर्थन करें, राष्ट्र की नीति क्या है उसी का समर्थन करना चाहिए। और नहीं भूल जाना चाहिए लोगों को, जब कारगिल वार हुई वो इतनी टफ वार थी, अगर इसराइल अपने साथ नहीं होता, इसराइल ने हमारा साथ नहीं दिया होता, आज भारत का नक्शा कुछ और होता। उस समय समस्याएं खड़ी हो सकती थी और वो एक ऐसा इलाका था जहां पर बहुत बड़ी समस्या हो सकती थी जो लोगों के संज्ञान में नहीं है। इसराइल में पिछले कुछ दिनों से चल रहे घटनाक्रम पर उत्तराखंड में भी लोग परेशान हैं। वहां पर फंसे भारत के लोगों को सरकार ऑपरेशन अजय के तहत वापस ला रखी है। ऐसे में लोगों के सकुशल वापसी के लिए देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर में प्रार्थना की गई। माता वैष्णो देवी गुफा में नवरात्रि पर विशेष शारदीय नवरात्रि पूजा अनुष्ठान चल रहा है, जहां आज हरिद्वार से आए ब्राह्मणों ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ विश्व शांति की मंगल कामना की। उन्होंने इसराइल यूक्रेन में मारे गए लोगों के लिए विशेष पूजा की। आज हम और परस्पर आपस में इसराइल में फंसे भारतीय ऑपरेशन अजय के तहत वापस लाए जा रहे हैं। उत्तराखंड के भी 10 से ज्यादा लोग अब तक अपने अपने घर आ चुके हैं, लेकिन इसराइल में उनके एक्सपीरियंस ऐसे थे कि घर वापसी का सफर मुश्किल से कम नहीं था। देहरादून की आरती जोशी एक साल पहले पीएचडी करने के बाद रिसर्च के लिए इसराइल की बेंजूरियन यूनिवर्सिटी गई थी, लेकिन इसराइल के मौजूदा हालात के बाद वहां रहना खतरे से खाली नहीं था। आरती अब अपने घर लौट आई हैं, लेकिन इसराइल के एक्सपीरियंस को वो बताती हैं कि वो ताउम्र नहीं भुला पाएंगे। जान बचाने के लिए बंकर में छिपना और सायरन की आवाज का जिंदगी का हिस्सा बन जाना। आरती बताती है कि इसराइल के लोग मानसिक तौर पर मजबूत होते हैं, लेकिन पहली बार देखा कि वहां सब कुछ बर्बाद हो गया। एयरपोर्ट से घर तक आने का सफर मुश्किल भरा था। लेकिन जब हम उस दिन गए तो ट्रेन हमारे पास में ही ट्रेन स्टेशन है, लेकिन वो एकदम जैसे ही अटैक शुरू हुआ तो वो बंद हो गया था। लेकिन एक दो दिन में जब उन्हें पता चला कि फॉरेन लोगों को जाना है एयरपोर्ट के लिए, तो उन्होंने वो स्टार्ट किया। लेकिन और टाइम की अपेक्षा मतलब बिल्कुल सन्नाटा था, सारे कोई लोग सब थे नहीं। वहीं आरती के पेरेंट्स बताते हैं कि इसराइल में चल रही स्थिति से वो डर गए हैं। दोस्त रिश्तेदार सब बेटी को लेकर चिंतित थे। बेटी जब तक घर नहीं आई थी रातों की नींद उड़ी थी। बस यही, और यह जो भारत सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने लोगों ने इतना मतलब अच्छा कदम उठाया, अपने बच्चों को अपने देश में लेकर आए। हम तो बेबस हो गए थे, जैसे कि हमारे पास कोई वो नहीं था ऐसा ना, बहुत बेबस हो गए थे। पर सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद है जिन्होंने हमारे बच्चों को सकुशल घर में पहुँचाया। शुरू से पता जैसे अटैक हुआ ना, उसी टाइम पता चल गया था कि ऐसे ऐसे इसराइल में हो गया। तो जितने भी हमारे रिश्तेदार थे, यार दोस्त थे, सब ने तुरंत फोन शुरू कर दिए कि जोशी जी घर बुलाओ, बिटिया घर बुलाओ। मैंने कहा भाई घर कैसे बुलाएं, जब तक कोई साधन नहीं होगा। अब करेंगे ऐसे मोदी जी कुछ ना कुछ इंतजाम करेंगे, तभी हिसाब बनेगा, नहीं तो दूर हो तो कैसे आएगी। आरती और उनका परिवार उन खुश नसीब लोगों में से है जो इसराइल की स्थितियों से सकुशल लौट आए हैं और सरकार का बार बार धन्यवाद कर रहे हैं। न्यूज 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। उत्तराखंड के 5 जिलों में बारिश और बर्फबारी का येलो अलर्ट है। मौसम केंद्र की तरफ से उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ से बारिश के आसार की तस्वीरें सामने आई। वहीं 3500 मीटर से ऊपर के इलाकों में बर्फबारी की संभावना है। मौसम केंद्र के निदेशक के मुताबिक प्रदेश में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते उत्तराखंड के तापमान में 10 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई है, जबकि आगे आने वाले दिनों में सुबह शाम का तापमान गिरेगा। उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी है। वहीं भारी बर्फ गिरने से पूरे जिले में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इसकी वजह से यात्रियों को दिक्कतें हो रही हैं। वहीं डीएम ने भी सभी अधिकारियों को अलाव की व्यवस्था करने के निर्देश दिए ताकि लोगों को थोड़ी सी राहत मिल सके।
पिथौरागढ़ के उच्च इलाकों में सीजन की पहली बर्फबारी के साथ ही माइग्रेशन भी शुरू हो गया। असल में यहां पर व्यास, दारमा, मिलन और रालम घाटी में रहने वाले सीजन के हिसाब से माइग्रेशन करते हैं। ऐसे में विंटर सीजन शुरू होने के साथ ही इन घाटियों के ग्रामीण निचले इलाकों की तरफ आने लग गए हैं। पिथौरागढ़ के ऊंचे इलाकों में रहने वाले 33 गांव ऐसे हैं जो आज भी मौसम के लिहाज से अपना आशियाना बदलते हैं। धारचूला और मुनस्यारी तहसील में रहने वाले ये ग्रामीण जहां गर्मी का मौसम शुरू होते ही ऊपरी इलाकों की ओर जाने लगते हैं, तो वहीं सर्दियां आते ही ये निचले इलाकों में लौट आते हैं। इन ग्रामीणों की जिंदगी का जहां आधा समय निचले इलाकों में गुजरता है, तो वहीं बाकी वक्त ये ऊपरी इलाकों में खेती करने जाते हैं। बीते दिनों 10,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर हुई बर्फबारी के बाद अब ये निचले इलाकों को माइग्रेट करने लगे हैं। तो आते मई में आते हैं, 6 महीने हम लोग हमारी 6 महीने यहाँ रहते हैं, 6 महीने धारचूला रहते हैं। यहाँ सिर्फ यही खेती होती है और एक मटर की खेती होती है, आलू मूली होती है और सब्जियाँ होती है कई प्रकार के, गोभी, मूली, गाजर, शलजम ऐसे होते हैं। और हम 6 महीने में ये अपना खेती का काम निपटा के फिर जैसे विंटर शुरू होता है तो हम लोग धारचूला को निकल जाते हैं। व्यास घाटी में चीन और नेपाल बॉर्डर पर 7 गांव ऐसे हैं जो माइग्रेशन करते हैं, जबकि दारमा घाटी में इनकी संख्या 14 है। वहीं मुनस्यारी की मिलम घाटी में 11 और रालम में 1 गांव माइग्रेट करता है। सर्दियां शुरू होते ही ये ग्रामीण ऊपरी इलाकों में मौजूद अपने घरों को पूरी तरह बंद कर देते हैं। यही नहीं, जरूरी सामान और जानवरों के साथ ये निचले इलाकों में पहुंचते हैं। ग्रामीणों के साथ ही इनके लिए गुंजी से बना SBI का बैंक भी सीजन के मद्देनजर साल में 2 बार माइग्रेट करता है। तो वैसे हम लोग माइग्रेट करने वाले लोग हैं, हम लोग 6 महीने ग्रीष्म काल में हम लोग यहाँ को आते हैं और शीतकाल में हम धारचूला की ओर प्रस्थान करते हैं। और हमारा बैंक भी जो है जब धारचूला प्रस्थान करता है तो हम लोग अपने खाते का संचालन धारचूला करते हैं। माइग्रेशन करने वाले इन ग्रामीणों की जिंदगी काफी कठिन है, बावजूद इसके इन्होंने अपनी जड़ों से रिश्ता कायम रखा है। यही वजह है कि हाड़ कपाती ठंड में ये खुद को बचाने के लिए भले ही निचले इलाकों में आ जाते हों, लेकिन हालात सुधरने पर ये फिर अपनी जड़ों में लौट जाते हैं। न्यूज 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रीति की रिपोर्ट। और देहरादून से बड़ी खबर आ रही है जहां उत्तराखंड में दवा दुकानों में छापे मार कार्रवाई की गई है। पिछले 2 दिनों में 25 दुकानों में चेकिंग की गई, मंगलवार को भी 14 दुकानों में चेकिंग की गई, 9 दुकानों बंद किया गया, 9 दुकानों को 32 दवाई के लिए सैंपल्स लिए गए। दवा दुकानों में अव्यवस्थाएं मिल रही हैं, फार्मासिस्ट के मौके पर ना होने से लेकर दवा के रिकॉर्ड की भी कमी मिल रही है।